पूर्व क्रिकेट कैप्टन MS धोनी को हिमाचल सरकार द्वारा राज्य अतिथि बनाए जाने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयानों पर पलटवार करते हुए लोकसभा मुख्य सचेतक और हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि धोनी भारत की सफलतम खिलाड़ियों में से एक हैं और उन्हें हिमाचल सरकार का राज्य अतिथि का दर्जा देना अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा खिलाड़ियों का अपमान किया है, तभी बेतुकी बयानबाजी करने में जुटे हैं। सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में खिलाड़ियों की प्रताड़ना और अपमान किया है और खेल संघों का शोषण किया है। उन्होंने कहा कि चाहे कांग्रेस के पूर्व CM हो या अध्यक्ष हो, सभी खेलों को मिटाने और युवाओं को नशे में ग्रस्त ही देखना चाहते हैं। धोनी भारत के सफलतम कप्तानों में से एक हैं, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई, वनडे वर्ल्ड कप भी जिताया, भारत को टेस्ट की टीम नंबर वन भी बनाया, वनडे में नंबर वन बनाया। एक ऐसे महान खिलाड़ी जिसका देवभूमि हिमाचल प्रदेश पे आने पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, पद्म भूषण से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल ऑनररी, मुझे लगता है एक ऐसा व्यक्ति जो फौज के इतने नज़दीक हो, खेल के इतने नज़दीक हो, उसका हिमाचल में आने पर दिल की गहराइयों से स्वागत होना चाहिए। कांग्रेस ने सदा खिलाड़ियों का अपमान किया है, खेल संघों पर प्रहार किया है, ताले लगवाने का काम किया है, वो चाहे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हों या कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हों, वो नौजवानों को नशे के ग्रस्त देखना चाहते हैं। जिस तरह से उनकी सरकार के समय नशा का व्यापार बढ़ा, मौतें हुई और खेलों को और खिलाड़ियों को प्रताड़ित किया गया, उनसे आप ऐसे बयान ही सोच सकते हैं। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर ने विधानसभा के बाहर युवा कांग्रेस पर लाठीचार्ज के बयानों पर कहा कि कांग्रेस को अपने अतीत में देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा जो भी विधानसभा के बाहर कार्रवाई की होगी तो कानूनी तौर पर ही की होगी। मुझे लगता है कांग्रेस को अतीत में देखना चाहिए, उनकी सरकार के समय किस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी, युवा मोर्चा भी, विद्यार्थी परिषद भी, किस तरह के प्रहार उन पर किए जाते थे। हम कोई राजनीतिक द्वेष की भावना से काम नहीं करते, पुलिस ने जो भी कार्रवाई की होगी वो कानून के अनुसार की होगी। मैं उस समय वहाँ मौजूद नहीं था, फुटेज वहाँ पर सबके सामने होगी, और पुलिस ने अगर कार्रवाई की तो कांग्रेस ने निश्चित तौर पर उनके कार्यकर्ताओं ने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी।